हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास। बच्चों आज की क्लास के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका? ट्रू फॉल्स है, ठीक है। तो आपको बताया कुछ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। ओके, तो आपके जो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, अगर एक नंबर 3 से डिविजिबल है तो क्या वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा? अब देखो एक नंबर 6, ये 3 से तो डिविजिबल है, क्या ये 9 से डिविजिबल है? नहीं, तो स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स होगा। ओके, नेक्स्ट, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, एक नंबर है जो 9 से डिविजिबल है, क्या वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा? ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट है ट्रू। जैसे 9 है, 9 9 से डिविजिबल होता है, 18 9 से डिविजिबल होता है, 27 3 से डिविजिबल होता है, 9 से होता है। तो क्या है, जो भी 9 से डिविजिबल होगा वो 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18, एक नंबर है जो कि 18 से तो डिविजिबल है, ठीक है। इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 3 बाय 18, इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6, यू कह रहे कि अगर कोई नंबर 3 और 6 से डिविजिबल है क्या वो 18 से डिविजिबल होगा? अब मेरे को ये बताओ, 30 है, 3 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, क्या ये 18 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा, 18 से डिविजिबल नहीं है। ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स हो, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, अगर एक नंबर 9 से डिविजिबल है एंड 10 से, बोथ दैट इट इज मस्ट बी डिविजिबल बाय 90, अगर एक नंबर है, ठीक है, वो 9 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है, तो क्या वो नंबर 90 से डिविजिबल होगा? होगा। 90 नंबर ले लो, 90 को ले लो, 99 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है, 90 से भी डिविजिबल है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू। ओके, नेक्स्ट देखो, इफ टू नंबर्स आर को प्राइम, अगर दो नंबर क्या है? को प्राइम है, एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, और उन दोनों से एक जो नंबर है वो क्या है? प्राइम है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? को प्राइम है, एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, और उनमें से एक का प्राइम होना जरूरी है, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? दोनों ही नंबर कैसे है? कंपोजिट नंबर, तो स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स होगी, ठीक है। दो नंबर लिए, दोनों को प्राइम थे, उन दोनों में से एक का प्राइम होना जरूरी है, ये स्टेटमेंट ये कहती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4, ठीक है, सारे नंबर जो 4 से डिविजिबल होते हैं मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 8, क्या वो सारे नंबर 8 से भी डिविजिबल होंगे? तो ये ट्रू नहीं है, ठीक है। आप 4 ही ले लो, क्या 4 है? 4 4 से डिविजिबल है, क्या 8 से डिविजिबल है? नहीं, ये क्या हो गया? फॉल्स। नेक्स्ट है जी पार्ट, ऑल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 8, जितने भी नंबर हैं जो 8 से डिविजिबल हैं मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 4, ये स्टेटमेंट है ट्रू। क्यों ट्रू है? अगर आप 8 से डिविजिबल लगा दो, 8 1 8 2 4 16, 16 भी डिविजिबल है, नेक्स्ट आएगा वो भी डिविजिबल होगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, बट ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट देखो, एफ एच, If a number exactly divides two numbers separately, it must be exactly divisible their sum. ये क्या कह रहा है कि एक नंबर है, ठीक है, वो दो अलग अलग नंबर से क्या होता है? डिविजिबल है, ठीक है। अब जैसे एक नंबर ले लिया है 2, ठीक है, एक ये नंबर है, ये 4 से को भी डिवाइड कर सकता है और 8 को भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि अगर मैं इन दोनों का सम कर दूं तो क्या ये इस नंबर को भी डिवाइड करेगा? करेगा, एग्जांपल भी आपके सामने है, 2 है वो 4 को भी डिवाइड करता है, 8 को भी करता है, तो इन दोनों के सम को भी वो डिवाइड करेगा, 2 12 से डिवाइड हो जाएगा, 2 12 को डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये